दिखा भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, झगड़ा क्यों? बारिश आ रही है भाई बहुत तेज यहाँ पे। कहाँ चलना? बीच पे। एवरेज कितने किलोमीटर लंबा भाई ये? कहाँ चलना ये और बता दो। भाई म्यूजिक चलाओ। म्यूजिक भाई कितना टाइम और लगेगा चलने में? भर रहा छाती है। ये अपने भाई है जो खाना बना रहे हैं यहाँ पे। भाई क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो? राम राम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सुबह के 10 बज गए हैं और सभी उठ गए हैं। बस भाई अपने रोहित भाई अभी आराम से सोए हुए हैं और देखते हैं आज क्या प्लान है, पूछते हैं कहाँ घूमने जाना है कहाँ नहीं सभी को। कल तो बढ़िया मजा आए थे बाबा बीच पे, आज देखते हैं सेकंड डे सेकंड ब्लॉग कि कहाँ जाना है यार। आपको दिखाते हैं कि रसोई में क्या बन रहा है ब्रेकफास्ट में। मोस्टली सारे भाई उठ चुके हैं। ये अपने भाई है जो खाना बना रहे हैं यहाँ पे। भाई क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो दिखाना एक बार। मैगी। मैगी कहाँ से हो आप? असम। भाई असम से है। खाने का मैनेजमेंट भाई संभालते हैं यहाँ पे, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं भाई। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है? उरु। ओके, खाना तो एवन बना रहे हैं भाई, बहुत टेस्टी। ये अपने भाई ने सारा ही सामान रख रखा है यहाँ पे। फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। फिर आज भाई खाने में क्या बनाओगे, खाने में क्या बनाओगे आज? और पूछते एक बार सबसे, खाने में क्या बनेगा ब्रेकफास्ट में? भाई ने तैयार कर दिया मैगी और चाय। आज भाई की डिश दिखाएंगे आपको। बहुत टेस्टी खाना। खड़ो चल चल चलो। कहाँ चलना? बीच पे। टाइम बता कितना हो रहा? 12 बज गए। अब चलते हैं बीच पे। ये अपने ताश खेल रहे हैं। भाई कितना टाइम और लगेगा चलने में? भर रहा छाती है। भाई कितने देर निकलो भाई? बस मुश्किल तक 5 मिनट। चलो भाई जल्दी चलो। कहाँ चलना ये और बता दो। आरंभोल। बीच बढ़िया बीच है, बहुत बेहतरीन। चलो निकलते हैं थोड़ी देर में बीच के लिए। दिखाते हैं वहाँ जाके वहाँ का व्यू। पीट दिएगा भाई, जल्दी नहा लो, चले भाई लेट हो रहा है। भाई 5 मिनट लगा रहे बस तैयार होने में, फिर चलते हैं। गुड्डू भाई तैयार है, नेताजी भी तैयार है, पारसा जी भी तैयार है बिल्कुल। अजय भाई रह रहे हैं। भाई जल्दी आ जाओ, बस आपका ही वेट है। ओके ब्रो, ओके। और भाई आप क्या बना रहे हो बताओ। भाई ने तो बढ़िया दिल खुश कर रखा है, एक दिन हम फालतू रुकेंगे भाई के चक्कर में। खाना इतना अच्छा बना रहे हो यार, क्या करे? क्या बना रहे हो फिर भाई आज? दाल। भाई दाल बड़ी टेस्टी बना था लड़का। कोई दिक्कत ना, अब तुम बीच पे जा रहे हैं, 2 बजे के करीब आएंगे तभी खाना खाएंगे। आज भाई का खाना दिखाएंगे आपको, देखने में टेस्टी लगा तो खाने में तो हो गई ना भाई ऐसी। गुड्डू भाई खाना कैसे बनावे भाई? एवन भाई खाने को नौ पर चलो भाई, बिल्कुल भाई छाक लगा रहा है। सब्जी अभी बना देगा। रोड टीम रेडी हो चुकी है बीच पे जाने के लिए। बताओ भाई एक बार क्या टाइम लग रहा है? 5 मिनट मुश्किल। खाना खा के निकल रहे भाई। और ये 5 मिनट अंकित, सुबह 2 घंटा तो हो गए। ये बात है भाई। चलो बीच पे जाके दिखाते हैं। चल ही रही है बस। 10-5 मिनट में निकल के वहाँ बीच पे पहुँच के आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू। भाई गाँव के लिए निकल गए, अब बताना एक बार जरूर। साउथ गोवा के लिए रवाना हो चुकी है अपनी टीम। भाई म्यूजिक चलाओ। म्यूजिक अभी ऑन। यस, 1 मिनट कौन सा गाने कौन चलाओगे? शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो। ऐसा तो कोई भी ना हो। अब देखना कोला भी कोला भी।
भाई कौन सा ब्रिज आ रहा है सामने? ये पोंडा ब्रिज। पोंडा ब्रिज कितने किलोमीटर लंबा भाई? ये ब्रिज 7 किलोमीटर लंबा है। 7 किलोमीटर वो आ रही। काम चल रहा है अभी शायद यहाँ पे ना? ये सारा बनेगा अभी। नीचे समुंदर ही तो है? नीचे समुंदर है। बहुत ही अच्छा ब्रिज है और लंबा। ये देखो इधर का क्या है? क्या बीच में 5-स्टार होटल है पहाड़ों के बीच में। साउथ गोवा चला जाता है रास्ता और सीधा चला जाएगा ये उडुपी। उडुपी वहाँ भी घूमने की जगह है। उडुपी उसका कर्नाटक स्टेट लग जाएगा। बहुत ही अच्छा व्यू है भाई। मौसम तो अच्छा हो रहा है। व्यू भी इस साइड में बिल्कुल देखो समुंदर है। अभी बनाया ब्रिज है शायद। अभी काम चल रहा है ब्रिज पे। मोदी साहब रहते हैं हर साल अपने रिजॉर्ट से। कम से कम 80-90 किलोमीटर दूर घूमने जा रहे हैं साउथ गोवा। भाई ने बताया कि अच्छी जगह। भाई तो काफी बार जा चुके हैं वहाँ। आज वहाँ का अलग ही नज़ारा होगा। कौन सा वो है भाई वहाँ? कोला बीच। कोला बीच और उससे आगे जो आप व्यू दिखा रहे थे कौन सा, क्या नाम है भाई उसका? दूध सागर। दूध सागर बहुत ही अच्छी जगह है। अगर रास्ता मिला तो उसका वहाँ भी जाएंगे जरूर देखने। उसे भी आपको दिखाएंगे जरूर। और रास्ते में कोई अच्छी जगह आएगी वो भी दिखाएंगे आपको। वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। भाई ने तो अपनी बियर खोल ली है। काफ़ी देर होगी चलते चलते रास्ते में। कौन सी ब्रांड है भाई? ये सेवन रिवर। सेवन रिवर बेल्जियम की। ओ क्या बात है। फुल फन भाई तो हमसे पहले ही आ रखे हैं 3-4 दिन पहले। बढ़िया मजे लेना। देखना भाई व्यू क्या। पानी पानी है पानी। निशांत भाई तो अपने सो गए हैं। जाने में क्या कह रहे हो भाई ये बताओ? 3-4 घंटे लग जाते थे पहले साउथ गोवा जाने में। ऐसे ऐसे रोड बना दिए। हाँ बिल्कुल ना बीजेपी सरकार में भाई रोड तो अच्छे बने। देखो बढ़िया रोड बना रखा। गाड़ी जाओ अपना खेचा खेच। पहले सब जंगलों में से जाना होता पड़ता था साउथ गोवा। पहले सिंगल रोड थे जंगलों के अंदर। अब बढ़िया फैसिलिटी कर दी है। हाईवे है बड़े बड़े। अच्छी जगह है घूमने के लिए। अभी तो 3-4 दिन और रुकेंगे यही। ये अपना साउथ गोवा का व्यू है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। व्यू भी बहुत अच्छा है। कितने दूर रहेगा बीच यहाँ से भाई? 3 किलोमीटर। कौन सा बीच आएगा? वरका बीच। वरका बीच गुरमा के। वरका बीच पहुँच चुके हैं। और कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई भाई यहाँ? कहो ना प्यार है मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ। बारिश बंद हो रही है। बारिश में तो भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा क्यों कर रहा है भाई? मेरी छतरी करनी धो दिया ने। ए भाई फरीद आवाज से साथ लाए क्या? और बारिश में नहा ले सकता। चलो चलते हैं बाहर वहाँ जाके व्यू दिखाते हैं। वहाँ पे वरखा बीच पहुँच गए हैं। वो खड़ी अपनी कार। और बारिश आ रही है भाई बहुत तेज यहाँ पे। सबसे अच्छा व्यू बताते हैं यहाँ का वरखा बीच का। भाई दिखाइए थोड़ी सी एक बार। चलो सामने। ओ भाई लहरें। कैसा लग रहा है आपको? भाई कातिल मौसम हो रहा है बिल्कुल जबरदस्त। भाई क्या लहरें हैं। ओहो भाई बागा बीच तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। अपने जो रिजॉर्ट है वहां से कब तकरीबन कितने किलोमीटर दूर आए भाई यहाँ पे हम? 70 किलोमीटर दूर आए हैं। 3-3.5 घंटे में पहुंचे यहाँ। अपने भाई है सोना से चिंटू भाई। भाई ने बताया था कि अगर तुम घूमना है तो वहाँ जाओ। मेरे भाई को अपने साथ ही लेकर आए हैं। भाई ने दिखाए 3-4 व्यू दिखाए हैं बहुत अच्छे।
मस्त जगह है बिल्कुल। कैसा लग रहा भाई यहाँ के? बहुत बढ़िया। फोन और हाल रहा भाई यहाँ का? हवाई अच्छा भाई, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया फील हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है भाई। ठंडा होना चाहिए, हवा है ठंडी हो। इसी बीच पर सगोना प्यारे की शूटिंग हुई थी, प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं पता कहाँ पर है, पर हुई कि 10 मिनट के आस पास है। बड़ा जाल सही है तो भाई मच्छी के मतलब कुछ भी आ सका इसमें, जरूर थोड़ी मछली होगी है। ये तो परफेक्ट होंगे भाई तैरने में ना भाई। ये अच्छा है, सही बताइए। अच्छा बढ़िया। रोहित भाई कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया। चिल चिल करने का मन नहीं कर रहा फिर आप लोगों का? अब भाई चिंटू भाई चिल नहीं करोगे ऐसी घूमोगे? बियर वगैरह नहीं लोगे क्या? तो भाई मंगाओ क्यों नहीं, डालो। और जब आए तो बारिश में भीग भी रहे है। वीर का बीच बहुत अच्छा था देखने में। अब सारे भाई वहाँ से निकल गए हैं, अब इनसे पूछते एक बार कहाँ जाने का प्लान है। भाई कहाँ जाओगे, अब कहाँ चलना है? बेल्जियम बीच कितनी दूर है? यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है बेल्जियम बीच, वहाँ के भी दिखाते हैं आपको पहुँच के। ये बेल्जियम बीच का व्यू है, नारियल के पेड़ है अपने भाई है, बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। उस साइड चला भाई आगे की तरफ है, चलो थोड़ी आगे तक घूम करते हैं। किस साइड? इस साइड क्या है ना, दुकान वगैरह कुछ नहीं है भाई, सब बंद है। तो सीजन ऑफ ही चल रहे, मछुआरे थोड़ी है भाई। बढ़िया लहरें उठी हुई है समुंदर में। कितना टाइम हो रहा भाई? शाम के 6 बज गए हैं अभी, आज 2:30 बजे तो हम निकले थे अपने फ्लैट से, 2 ही बीच जा पहुँचे हैं। और देखते हैं रात में कहाँ का प्लान बनता है अपनी टीम के साथ, वो भी आपको मुझे दिखाएंगे। हो रहा है बढ़िया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फुहारे लग रही है, बढ़िया घूमने में अलग ही मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया। भाई का अक्सर यहाँ घूमते रहते हैं, भाई का काम है यहाँ, वाइन शॉप है भाई की, जैसे भाई अपने साथ ही घुमा रहे हैं, सारी लोकेशन पता है भाई को, बढ़िया मज़े आ रहे हैं। और चिंटू भाई बताना चाहोगे? बस आओ गोवा सब, करो एंजॉय आके। अगर किसी भाई को आना है कोई दिक्कत नहीं है, मैं भाई का नंबर दे दूंगा, बढ़िया लोकेशन बताएंगे भाई ये कहाँ घूमना है, गाड़ी की सुविधा सारी व्यवस्था कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसी भी भाई सोने से है, एक नंबर है बिल्कुल, नेचर ही बहुत अच्छा है भाई का। अब 3-4 दिन भाई घुमाएंगे हम अपने साथ। और लेडी चर्च है भाई, आ रहा हूँ देखना अभी तक। कौन सा शहर है भाई ये? ठीक है, ये मड़गांव, मड़गांव शहर है भाई ये। चल दियो कही है नॉर्थ गोवा साउथ गोवा आया मैं, साउथ गोवा, साउथ गोवा में गाने वाला ब्रो। यहां आती है ट्रेन सीधी दिल्ली से, दिल्ली से किस पे जंक्शन है? मड़गांव जंक्शन, मड़गांव जंक्शन सबसे बड़ा जंक्शन है गोवा का, दिल्ली से ट्रेन यहीं आती है। 170 चल ठीक है, 2 लीटर मंगा लियो। कहाँ जा रहे भाई? हम पंजिम जा रहे हैं भाई, वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको, कौन गोवा की राजधानी है। पंजी ब्रिज है और ये है क्रूज कैसीनो। भारी संख्या में यहाँ क्रूज खड़े हुए हैं, इसके बार बार कलर चेंज होते रहते हैं, देखो हर 10 सेकंड में कलर चेंज होते हैं यहाँ पे। और ये भाई एंजॉय करते हुए डेकैथलॉन में बैडमिंटन खेलते हुए पूछते भाई से क्या बनाया खाने में। भाई
क्या बनाया खाने में ब्रो? खाने में क्या बनाया बताना। इधर बता भाई, क्यों भाई शर्मा दो क्या? खाने में खुद ही देखना पड़ रहा है भाई, थोड़े शर्माते हैं। आलू गोभी वाह बढ़िया महक आ रही है। रोटी भाई बनाई रही है, कुछ ही देर में खाना खा के आराम से सोएंगे। सारे दिन बढ़िया घूमे। कैसा रहा भाई आज का दिन बता जल्दी? बढ़िया मजे आए, नींद आ रही ना? आ रही खाना भी रेडी हो चुका है, कुछ ही देर में खाना खा के आराम से सोने वाले हैं। बहुत थक गए हैं। आज अपना सेकंड ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है और जितना भी कुछ घूमे हमने, ड्राइविंग पे सॉन्ग सुने, कहाँ कहाँ गए, वो सारा इस ब्लॉग में दिखाया है। राम राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लव यू ऑल।